ऐसे बॉलीवुड कलाकार रहे जिनकी एक स्टीरियोटाइप इमेज बन गई। इन सभी एक्टर्स ने अपनी इस छवि को तोड़ने की कोशिश की, इसलिए उन्होंने कुछ ऐसे रोल्स किए जो पाथ ब्रेकिंग साबित हुए। हम ऐसे ही कुछ कलाकारों और उनके निभाए हुए किरदारों की बात करेंगे जिन्होंने अपनी बनी बनाई इमेज को बदलने की कोशिश की। सलमान खान ने 2009 से लेकर 2015 तक लगभग एक ही तरह की फिल्में की। वॉन्टेड से लेकर किक तक उनकी सभी फिल्में लार्जर देन लाइफ ही रहीं, पर उन्होंने 2015 में कबीर सिंह की फिल्म बजरंगी भाईजान से अपनी बीट से अलग फिल्म की। इसके जरिए उन्होंने अपनी छवि तोड़ी, लोगों ने उन्हें इसमें पसंद भी किया। हमारी लिस्ट में दूसरा नाम है शाहिद कपूर की फिल्म कमीने का। इस फिल्म से पहले उनकी इमेज एक चॉकलेट बॉय टाइप की थी। उनको हमने सबसे पहले जाना इश्क विश्क से, फिर विवाह और जब वी मेट में उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। शाहिद ने इन दोनों फिल्मों में कमोबेश एक जैसे किरदार निभाए। इसके बाद उन्होंने विशाल भारद्वाज की फिल्म कमीने में काम किया। इस फिल्म ने उनका करियर पलट कर रख दिया। ये फिल्म अंडरवर्ल्ड के बैकड्रॉप पर है। ये जुड़वा भाइयों के टसल की कहानी है। इसमें शाहिद ने डबल रोल निभाए हैं। इस फिल्म को 2010 के लगभग सभी अवार्ड्स में नॉमिनेशन मिला था। कंगना के पास तनु वर्ड्स मनु से पहले कोई ऐसी फिल्म नहीं थी जो उनकी पहचान हो। इससे पहले उन्होंने ऐसी फिल्में की जिनमें उनके बड़े शहर वाले रोल थे या फिर छुपे हुए किरदार। तनु वर्ड्स मनु एक ऐसी फिल्म थी जिसने ट्रेंड सेट किया। इसके बाद बॉलीवुड ने छोटे शहरों की कहानियां भारी मात्रा में कहना शुरू कर दिया। कंगना को इस फिल्म ने अलग पहचान दी। बतौर एक्टर जनता ने उनको सीरियसली लेना शुरू किया। ऐसा ही कुछ उनकी फिल्म क्वीन के साथ भी है। ये भी उनके करियर की छवि तोड़ने वाली फिल्म रही। उनकी तनु वाली इमेज को क्वीन ने ही तोड़ा। ओमकारा विशाल भारद्वाज की एक कल्ट क्लासिक फिल्म है। इसमें अजय देवगन लीड रोल में भले हो, लेकिन सैफ अली खान इस फिल्म की जान है। लंगड़ा त्यागी के किरदार ने उनके करियर को पलट कर रख दिया। इससे पहले वो भी बड़े शहर वाले और चॉकलेटी बॉय वाले रोल ही कर रहे थे। इसी अमीर खांचे में उन्हें फिट कर दिया गया था, लेकिन लंगड़ा त्यागी के किरदार से उन्होंने अपने लिए बने इस सांचे को तोड़ दिया। बाद के दिनों में उन्होंने सेक्रेट गेम्स और लाल कप्तान जैसे प्रोजेक्ट्स किए। शायद वो लंगड़ा त्यागी ना करते तो उनके करियर में विविधता ना आ पाती। रणबीर कपूर की पहली फिल्म है सांवरिया। इसके बाद उन्होंने वेकअप सिट और अजब प्रेम की गजब कहानी की। इन तीनों फिल्मों की कहानियां बिल्कुल अलग अलग थीं, लेकिन उनके किरदार के लुक से लेकर बैकग्राउंड तक सब लगभग एक सा था। इन फिल्मों ने शाहिद की तरह ही रणबीर की भी चॉकलेटी बॉय वाली इमेज बना दी। इसे उन्होंने ब्रेक दिया रॉकेट सिंह से, एक सिख परिवार से आने वाला लड़का जिसके बहुत बड़े बड़े सपने हैं। इस फिल्म ने दिखाया कि रणबीर कपूर बहुत बड़े एक्टर हैं। रणवीर सिंह ने बैंड बाजा बारात और लेडीज वर्सेस रिकी बहल में ऐसे रोल किए जो बहुत ज्यादा बातूनी है। बहुत तेज लड़के, उन पर लड़कियां मरती हैं। सबसे खास बात ये प्योर कमर्शियल फिल्में थीं। इसके बाद उन्होंने विक्रमादित्य मोटवानी के साथ फिल्म की लुटेरा। जितनी कमाल की फिल्म उतनी ही कमाल की उनकी अदाकारी। इस फिल्म में उन्होंने एक ऐसा किरदार निभाया जो बाहर कम दिखता है, उसके अंदर बहुत कुछ है। इस फिल्म ने रणवीर सिंह को एक अच्छे एक्टर की पहचान दी। स्टूडेंट ऑफ द ईयर से डेब्यू करने वाली आलिया भट्ट, लोगों ने सोचा एक स्टार किड और आ गई, बहुत दिनों तक नहीं चलेगा। लेकिन एक अमीर घर की लड़की जिसने फिल्म में भी कमोबेश ऐसा ही किरदार निभाया, अपनी अगली फिल्म हाईवे में ऐसा कमाल का काम कर गई कि लोग सन्न रह गए। यह आलिया के करियर की ऐसी फिल्म रही जिसने उनके करियर के वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए। इस फिल्म के जरिए उन्होंने अपनी इमेज डिस्ट्रॉय कर दी थी। विनीत कुमार सिंह ने मुक्काबाज से पहले बहुत काम किया। गैंग्स ऑफ वासीपुर में उनके काम को बहुत सराहा गया, लेकिन मुक्काबाज ने उन्हें इंडस्ट्री में स्टैब्लिश करने का काम किया। ऐसा नहीं है कि श्रवण जैसा रोल वो पहली बार निभा रहे थे, उन्होंने ऐसे कई रोल किए, लेकिन इस फिल्म ने उन्हें स्पार्क दिया। उन्होंने अपनी वो इमेज तोड़ी जिसमें उन्हें सदा एक साइड एक्टर के तौर पर देखा जाता था। आपने इसमें से कौन सी फिल्म देखी है? आपको कौन सी फिल्म सबसे ज़्यादा पसंद है? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ये पूरी जानकारी आपके लिए तैयार की थी मेरे साथी अनुभव ने। मैं हूँ गरिमा, आप देख रहे हैं ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया। Parts of India, including the capital, New Delhi, are seeing extensive flooding from heavy rains. Floods in northern India are threatening lives and livelihoods. About 100 people have died after record monsoon rains in India this week. Allah aapki ek dua kabool karega. Kya dua mangoge? Allah agar hai paani the. Ek sukh do mujhe.
महिलाओं को सुबह से शाम तक और कुछ चिंता होना हो, लेकिन पानी की सबसे पहले चिंता है कि घर में पानी लाना है। नहीं, चार गेड़ा, पच गेड़ा, छह गेड़ा करे जाओ। 80 साल की माँ 90 साल की है, ये मटका भर चल रही है। खाओ पानी, घी भिगो दो पी। नीचे फ्रैकिंग हो रही है, बड़े हाई लेवल के केमिकल्स डाल रहे हैं। दांत एकदम ब्राउन हुए हैं लोगों उस पानी की वजह से। कमाने वाला एक और पानी पीने वाले 10, ये तो मजबूरी में काम कर रहे हैं। और पानी आसपास में नजदीक में कहीं नहीं। घर दीजिए। पढ़ना चाहती थी? पढ़ना बहुत चाहती थी। अच्छा, स्कूल छोड़ दी पानी से। ये सब जो बाहर उठाने से तो उसका बच्चा गिर गया। इसके बाप ने इसको सिखाया क्या? क्या पानी नहीं डाल सकते? सूखा लगे ताल तलाया।